हम बात करने वाले पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो ऑलरेडी हमने दो वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो फ्रेंड हमने स्टार्ट किया है सीरीज की HAP जो भी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड है, जो कि बी फार्मेसी सेकंड सेमिस्टर में है, तो यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन का पार्ट, और सेकंड वीडियो में हमने देखा था जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसके क्या क्या फंक्शन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फंक्शन का जो सेकंड पार्ट है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज थर्ड पार्ट के अंदर हम पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स है उसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे, एक एक करके पूरे पार्ट्स यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, और वो भी डीपली यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पार्ट्स के अंदर हम फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं माउथ। तो माउथ के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे, माउथ के अंदर क्या क्या होता है जब आप फूड इंजेशन करते हो। फंक्शन आपको पता है इंजेशन करना, यानी कि फूड अंदर लेना, ओके। तो हम जब फूड मुंह में जाता है, हमारा जो भी फूड है मुंह में लेते हैं, तब उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है माउथ के अंदर, वो यहाँ पर चेक करते हैं। चलो तो फर्स्ट देख लीजिए, माउथ इज़ आल्सो कॉल्ड एज ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। जो हमारा माउथ है उसे ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी भी हम यहाँ पर कहते हैं। इट इज़ फॉर्म बाय द चिक्स। तो ये कैसे बनता है माउथ, कैसे बनता है, तो चिक्स, हार्ड पैलेट्स, सॉफ्ट पैलेट्स एंड टंग्स, ये जो फोर पार्ट्स होते हैं, तो उसी से हमारा माउथ बन जाता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देख लीजिए, सिक्स फॉर्म्स लैटरल वॉल्स ऑफ द माउथ। जो भी चिक्स है हमारी, तो ये लैटरल वॉल होती है हमारे माउथ की, एंड आर कवर्ड बाय द स्किन, और वो स्किन से कवर्ड होती है फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से स्किन से कवर्ड होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम इनसाइड, और इनसाइड हमारे चिक्स जो है, तो इनसाइड किससे बने हुए होते हैं, किससे कवर्ड होते हैं, तो म्यूकस मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट देख लीजिए, हार्ड पैलेट्स फ्रॉम द एंटीरियर पोर्शन ऑफ रूफ ऑफ माउथ। जो भी माउथ का रूफ होता है फ्रेंड्स, तो एंटीरियर पोर्शन जो है, तो हार्ड पैलेट जो हमारा हार्ड पैलेट होता है, तो एंटीरियर पोर्शन से बना हुआ होता है, ओके, रूफ ऑफ माउथ भी कहते हैं हम उसे। हार्ड पैलेट इज मेड अप ऑफ पैलेटाइन एंड मैग्जिलिया बोन्स। तो पैलेटाइन एंड जो मैग्जिलिया बोन्स होता है, तो उससे बना हुआ होता है हमारा हार्ड पैलेट, कवर्ड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन, और वो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है हार्ड पैलेट हमारा जो है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। हार्ड पैलेट फॉर्म्स बोनी पार्टीशन बिटवीन द ओरल कैविटी एंड नाल कैविटी। जो हार्ड पैलेट से हमारा, तो वो डिफरेंस मतलब बिटवीन, यानी कि पोर्शन है किस किस के बीच में, जो हमारी ओरल कैविटी और नासल कैविटी के बीच में का जो पोर्शन है, तो हार्ड पैलेट का है, ओके, उसे डिवाइडेड करता है। नेक्स्ट पॉइंट आप यहां पर देख सकते हो, सॉफ्ट पैलेट फॉर्म द पोस्टीरियर पोर्शन। जो सॉफ्ट पैलेट होता है, वो पोस्टीरियर पोर्शन होता है ऑफ द रूफ ऑफ माउथ। इट फॉर्म द पार्टीशन बिटवीन ओरोफैरिंग्स एंड नासोफैरिंग्स। तो ये जो पार्टीशन है किसके बीच का, ओरोफेरिंग्स और नासोफेरिंग्स के बीच में का। सॉफ्ट पैलेट इज आल्सो कवर्ड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन, और सॉफ्ट पैलेट भी हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। सिंपल नोट्स है फ्रेंड्स, आप आसानी से यहाँ पर लिख सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट मार के भी आप इसका स्टडी कर सकते हो, डेफिनेटली इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वल्ला इज अ स्मॉलर मस्क्यूलर प्रोसेस हैंगिंग फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट। ओके, ये जो यूवल्ला जो होता है फ्रेंड्स, ए स्मॉलर मस्क्यूलर पार्ट होता है जो सॉफ्ट पैलेट के वहां पे हैंग होता है, ओके। इट्स प्रिवेंट द इंटरेंस ऑफ सॉलिड फूड एंड लिक्विड इनटू नासल कैविटी। ये क्या करता है, हमारे जो भी हम फूड इंटेक करते हैं, तो वो जो फूड है हमारा, तो नासल कैविटी के अंदर ना जाए, इसलिए वो वहां पर प्रिवेंट करता है, उसका काम वहां पर वही होता है, वाला का, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर डायग्राम के अंदर आप पूरा देख सकते हो हार्ड पैलेट कौन सा होता है, सॉफ्ट पैलेट कौन सा होता है। यहाँ पर देख लीजिए, हार्ड पैलेट यहाँ पर दिया गया है, सॉफ्ट पैलेट यूवला, जो भी हमारा फूड हम स्वालो करते हैं, तो उसे नासल कैविटी में नहीं जाने देता, जो हमारा इसोफेगस है, तो उसके अंदर ही जाता है, ओके। चिक्स देख लीजिए, चिक्स भी यहाँ पर दिया गया कौन कौन सा है, मोलार्स, प्रीमोलार्स, कुस्पॉइड, ओके। तो ये सभी यहाँ पर नेम्स है फ्रेंड्स, तो फार्मेसी के अंदर इतने डीप भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो आप जितना हम बता रहे हैं, जितना आपको बता रहे हैं, उतना ही अगर आप
उसका स्टडी करते हो तो वहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड देख लीजिए सलाइवरी ग्लैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सलाइवरी ग्लैंड कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसके पार्ट भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है। द सलाइवरी ग्लैंड इज अ ग्लैंड दैट रिलीज द सिक्रेशन ऑफ द सलाइवा इन टू द ओरल कैविटी। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, जो सलाइवा है तो हमारे माउथ के अंदर सिक्रेट करती है, ओरल कैविटी के अंदर सिक्रेट करती है, उसी को हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। ओके नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर थ्री पेयर्स ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्री मेजर पेयर्स है, थ्री पार्ट्स है, वो कौन कौन से यहाँ पर आप देख सकते हो, पैराटोइड्स ग्लैंड, सेकंड है द सब मैंडुलर ग्लैंड्स और थर्ड है द सब लिंगुअल ग्लैंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है थ्री टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, तो तभी आप ये यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए, आप देख सकते हो पी ए आर पार मीन्स नियर, ओ टी मीन्स ईयर। ओके नेक्स्ट देख लीजिए सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, सब मीन्स बिलो, मैंडिबल मीन्स लोअर जॉ बोन। ओके नेक्स्ट सब लिंगुअल मीन्स, सब मीन्स बिलो, लिंगुअल मीन्स टंग के बिलो। ओके सब लिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लोअर जॉ बोन जो है तो उसके नीचे बिलो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और पैरोटिड ग्लैंड्स नियर टू ईयर, ईयर के नियर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आर लोकेटेड नियर ईयर्स, ये भी यहाँ पर आप याद रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थ्री पार्ट्स है सलाइवरी ग्लैंड के, यहाँ पर नोट्स अवेलेबल है, आप यहाँ पर देखकर पढ़ सकते हो फ्रेंड्स। ओके यहाँ पर देख लीजिए सब कुछ दिया गया है डायग्राम के अंदर, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ कहाँ पर है, तो आपको डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ओके कहाँ कहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स की लोकेशन है, यहाँ पर सब कुछ दिया गया, मैं भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देख लीजिए पैरोटिड ग्लैंड्स तो कहाँ पर है, तो यहाँ पर नियर टू ईयर यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड्स प्रेजेंट है। सबलिंगुअल ग्लैंड्स तो यहाँ पर सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट है फ्रेंड्स। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ओके कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सलाइवा, तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सलाइवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऐसा आप कह सकते हो। यहाँ पर आप देख लीजिए कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सलाइवा, अब सलाइवा का कंपोजिशन क्या क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, और उसका फंक्शन क्या क्या होता है, ये भी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। केमिकली सलाइवा कंटेंस 99.5% वाटर। ओके वाटर कंटेंट कितना करता है, 99.5% उसके अंदर सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से सोल्यूट उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आयन जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट आयोन्स, तो ये सभी सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 99.5% यहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है, और वो जो भी बचा हुआ 0.5% है वो सोल्यूट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, इट आल्सो कंटेंट्स वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, म्यूकस, इम्यूनोग्लोबिन ए, बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम, लाइसोजोम्स एंड सलाइवरी अमाइलेज, ये सभी यहाँ पर कंटेंट करता है। वाटर डिजॉल्व फूड एंड हेल्प टू प्रोड्यूस टेस्ट ऑफ फूड टू इनिशिएट डाइजेशन, तो डाइजेशन इनिशिएट करने के लिए जो भी हमारा वाटर है यहाँ पर तो हेल्प करता है, टेस्ट प्रोड्यूस करता है वहाँ पर फूड के अंदर, तभी वो अच्छे से हमारे माउथ के अंदर डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्लोराइड आयन्स इन द सलाइवा एक्टिवेट सलाइवरी अमाइलेज, जो भी क्लोराइड आयन्स है फ्रेंड जो हमारे सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज को एक्टिव करता है, एक्टिव करने के बाद क्या होगा, विच इज एन एंजाइम दैट स्टार्ट ब्रेकडाउन ऑफ द स्टार्च, तो ये जो स्टार्च का ब्रेकडाउन है तो वो वहाँ पर सोना स्टार्ट हो जाता है। ओके फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट आयन्स बफर एसिडिक फूड्स सो दैट सलाइवा इज ओनली स्लाइटली एसिडिक, जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, कितना होता है इसका एसिड 6.35 से लेकर 6.85 तक होता है। ओके म्यूकस ल्यूब्रिकेंट एंड मॉइस्टर्न फूड फॉर इजी स्वैलोइंग, तो जो भी म्यूकस फूड होता है या फिर मॉइस्टर्न फूड होता है तो इजीली स्वैलो हम कर सकते हैं, वही यहाँ पर उन्होंने बताया। आप देख लेते टंग के बारे में, टंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि टंग जो टेस्ट होते हैं तो कहाँ कहाँ पर होते हैं टंग के ऊपर, ये भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको पता होना चाहिए कि आपके बॉडी में क्या क्या होता है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है टंग के बारे में देख लीजिए, टंग इज एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कंपोज ऑफ स्केलेटल मसल्स कवर्ड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन, तो जो भी हमारी टंग होती है तो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है और स्केलेटल मसल से बनी हुई होती है। ओके नेक्स्ट इट हेल्प्स टू टेस्ट द फूड्स, तो ये क्या करते हैं, हम जो फूड खाते हैं तो उसका टेस्ट यहाँ पर हमें बताती है कि कैसा टेस्ट है, स्वालो करने के लिए भी मदद करती है और
बोलने के लिए भी, हम जैसे मैं यहाँ पर आपको आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वैसे ही यहाँ पर स्पीक भी करने के लिए टंग की ज़रूरत होती है। टंग एंड इट्स एसोसिएटेड मसल्स फ्रॉम फ्लोर ऑफ द टंग। टंग इज डिवाइडेड इनटू द टू सिमेट्रिकल लैटरल पार्ट बाय मेडियन स्पेक्ट्रम दैट एक्सटेंडेड इट्स होल लेंथ। टंग कंसिस्ट ऑफ द टू टाइप्स ऑफ मसल। तो टंग जो है तो उसके अंदर टू टाइप्स के मसल होते हैं, एक होता है एक्सट्रेंसिक मसल और सेकंड है इंट्रेंसिक मसल। आप देख लीजिए एक्सट्रेंसिक मसल का मतलब क्या होता है, मूव द टंग फ्रॉम द साइड टू साइड एंड इन एंड आउट टू मैन्योर फूड फॉर सेविंग। ओके, देख लीजिए यहाँ पर जो भी इंट्रेंसिक मतलब क्या होता है कि टंग को हम साइड टू साइड यहाँ पर मूव कर सकते हैं। ओके, एक्सट्रेंसिक साइड टू साइड मूव कर सकते हैं और चेविंग के लिए वहां पर हम जो भी फूड चेविंग करते हैं तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देख सकते हो आप यहाँ पर, शेप्स द फूड्स इनटू द राउंडेड मास एंड फोर्स द फूड्स टू बैक ऑफ द माउथ फॉर स्वॉलोइंग। दे आल्सो फॉर्म द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड होल्ड द टंग्स इन द पोजिशन। पोजिशन में हम टंग को यहाँ पर पकड़कर रख सकते हैं, ये भी यहाँ पर बताया गया है। इंट्रेंसिक मसल देख लीजिए, अल्टर द शेप एंड साइज ऑफ द टंग फॉर द स्पीच ऑफ सॉल्विंग। जब आप स्वैलो करते हैं कोई भी फूड यहाँ पर स्वैलो करते हैं तब जो आपका टंग का शेप और साइज है वहाँ पर तो अल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है एपिग्लॉटिस है, पैलेंटाइन टॉन्सिल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वैलेटाइन पेपेलिया। ओके, तो ये सभी नाम है फ्रेंड्स, आपको नाम यह सभी याद रखने हैं तो आपको पता होना चाहिए। अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन मिड लाइन एंड अंडर सरफेस ऑफ द टंग कॉल्ड लिंगुअल फ्रेन्युलम। ओके, लिंगुअल फ्रेन्युलम मीन्स क्या होता है, जो हम टंग को फोल्ड करते हैं। ओके, और जो मिड लाइन मेम्ब्रेन इन द मिड लाइन में जो मेम्ब्रेन होता है अंडर सरफेस के अंदर, जो टंग होता है उसके सरफेस के अंदर जो मिड लाइन है यहाँ पर आप देख सकते हो आपको दिख रही है, तो उसी को हम लिंगुअल फ्रेन्युलम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये लिंगुअल फ्रेन्युलम था। ओके, तो यहाँ पर आप नोट्स बना सकते हो खुद से फ्रेंड्स। अब आते हैं हम टीथ के ऊपर, तो टीथ यहाँ पर आप देख सकते हो टीथ्स और डेंटस, टीथ को हम डेंटेंस भी कहते हैं, आर एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो ये एक एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होता है विच कट टीयर एंड पल्वराइज द सॉलिड फूड टू रिड्यूस इन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। जो हमारे टीथ क्या उनका फंक्शन क्या है, जो भी पार्टिकल्स है जो भी फूड है उसे स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करना, ब्रेक डाउन करना, टीयर करना, पल्वराइज करना फूड को, यही इसी का काम होता है, टीथ का यही काम होता है। टीथ आर लोकेटेड इन द एल्यूलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिलिया। ओके, जो टीथ हमारे कहाँ लोकेटेड होते हैं, एल्यूलर प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल एंड मैक्सिलिया के अंदर यहाँ पर हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर एल्यूलर प्रोसेस मतलब क्या है, मैंने बताया आपको एल्यूलर प्रोसेस वहाँ पर, तो एल्यूलर प्रोसेस क्या है, एल्यूलर प्रोसेस आर कवर्ड विद द गैंग्विया। तो ये गम, ये गैंग्विया मीन्स गम से ये कवर्ड होता है, दैट एक्सटेंडेड इन टू द ईच सॉकेट, ये ईच सॉकेट के अंदर एक्सटेंडेड होता है। सॉकेट आर लाइन बाय पेरिडोनियल लिगामेंट्स, जो भी हमारे सॉकेट्स है तो उसके अंदर पेरिडोनटल लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो पेरिडोनटियल लिगामेंट्स है मेड ऑफ डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारे पेरिडोनटल लिगामेंट्स है तो किससे बने हुए होते थे, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते, विथ एंकर टीथ इन टू सॉकेट्स, विथ एंकर टीथ इन टू द सॉकेट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टीथ का यहाँ पर स्ट्रक्चर निकाला है, तो स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्राउन प्रेजेंट होता है, नेक प्रेजेंट होता है उसका, और यहाँ पर रूट होती है, जो टीथ के अंदर जो रूट होती है। आपका कभी जो टीथ है तो कट हो गया होगा या फिर निकल कर बाहर आ गया होगा, तब आपने देखा होगा उसके अंदर रूट भी प्रेजेंट होते हैं, नेक और एक क्राउन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, ये सभी आपको पता होना चाहिए। एल्यूलर बोन यहाँ पर प्रेजेंट है, पेरिडोन टल लिगामेंट जैसे कि मैंने अभी बताया कि पेरिडोनटियल लिगामेंट किससे बने होते हैं, तो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया, ये सभी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ओके, टीथ के थ्री पार्ट होते हैं, क्राउन, रूट एंड नेक, अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया टीथ के थ्री पार्ट्स, क्राउन, रूट एंड नेक, सिर्फ आपको पार्ट्स लिखना है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो ये था टीथ के बारे में, आप नोट्स यहाँ से बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा नोट्स है, तो अगर आपको नोट्स
बना लीजिए। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं यहाँ पर उसकी पीडीएफ की जो लिंक है तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स। ओके, आप देख लीजिए मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन इन माउथ। तो माउथ के अंदर मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन कैसे होता है तो उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट पार्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन इन माउथ। तो देख लीजिए यहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होता है माउथ के अंदर। देख लीजिए मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट विद द मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय द टीथ बाय चेविंग और मास्टिकेशन। तो ये कब स्टार्ट होता है मैकेनिकल डाइजेशन, जो हमारा फूड ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होता है हमारे माउथ के अंदर तब से ये मैकेनिकल की प्रोसेस यहां पर स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर चेविंग, चेविंग करने के बाद एंड मिक्सिंग विद सलाइवा, जो भी हमारा फूड है वो सलाइवा के अंदर मिक्स हो जाएगा। फूड इज कवर्ड इन सॉफ्ट फ्लेक्सिबल एंड इजीली स्वाल मास कॉल्ड बाउल्स और लम्स। और बोलस किसे कहते हैं हम, तो बोलस जब हमारा हमारे फूड के अंदर जो हमारा सलाइवा मिक्स होता है तब एक राउंड शेप वहां पर बन जाता है। फ्रेंड्स आप इमेजिन कर सकते हो, आप जब खाना खा रहे हो तो आपके अंदर जो सलाइवा मिक्स हो जाता है तब वो बाउल फॉर्म में बन जाता है, बोलस फॉर्म में बन जाता है। स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स आर डिजॉल्व इन सलाइवा, जो भी स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स है तो सलाइवा के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं एंड वाटर आफ्टर विच दे आर रिएक्टेड अपॉन बाय एंजाइम। आप देख लीजिए केमिकल डाइजेशन इज डन बाय टू एंजाइम्स, तो केमिकल डाइजेशन जो है तो दो एंजाइम से होता है, ए सलाइवरी अमाइलेज से और सेकंड है लिंगुअल लाइपेज से। अब सलाइवरी अमाइलेज देख लीजिए, इट इज सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड, ये सभी आपको तो पता है। इट कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इन टू द सिंपल यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स एंड बायसैकेराइड्स, जो हमारा स्टार्च है तो स्टार्च को ब्रेकडाउन करता है मोनोसैकेराइड्स के अंदर और बायसैकेराइड्स के अंदर। फूड कंटेन मोनो बाय एंड पॉलीसैकेराइड्स बट ओनली मोनोसैकेराइड्स आर एब्जॉर्ब, जो हमारा फूड है तो मोनोसैकेराइड बायसैकेराइड या फिर पॉलीसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फूड के अंदर कंटेंट्स होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मोनोसैकेराइड ही एब्जॉर्ब किया जाता है। सो इट स्टार्ट्स ब्रेकडाउन ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स इनटू द स्मॉलर यूनिट्स, इट इज इनिशिएटेड बाय द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक। आप देख लीजिए लिंगुअल लाइपेज, इट इज सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड ऑफ टंग, तो जो ग्लैंड ऑफ टंग होते हैं उससे यहाँ पर सिक्रेट किया जाता है लिंगुअल लाइपेज को एंड रिजल्ट इट्स ब्रेकडाउन ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स इनटू द डाइग्लिसराइड्स फॉर एंड फैटी एसिड। तो ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है किसका, ट्राइग्लिसराइड को यहाँ पर डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है एंड फैटी एसिड वहाँ पर फॉर्म हो जाता है। इट इज एक्टिवेटेड इन द एसिडिक एनवायरनमेंट, ये तो ये एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर एक्टिवेट हो जाता है स्टमक के अंदर। सो इट इज इनएक्टिव इन माउथ, तो ये माउथ के अंदर इनएक्टिव होता है एंड स्टार्ट्स वर्किंग आफ्टर द सॉल्विंग फूड, तो आफ्टर सॉल्व करने के बाद फूड जब हमारे स्टमक के अंदर जाता है तब यहाँ पर लिंगुअल लाइपेज वर्क करना स्टार्ट कर देता है। फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए, ये कब एक्टिव होता है, अगर कुछ एसिडिक हमारे बॉडी के अंदर एसिडिक नेचर होता है तभी ये स्टार्ट होता है, एक्टिव होता है, अदरवाइज ये इनएक्टिव होता है। माउथ के अंदर इनएक्टिव होता है, माउथ के अंदर सलाइवरी अमाइलेज एक्टिव होता है और स्टमक के अंदर ये बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो लिंगुअल लाइपेज है वो स्टमक के अंदर एक्टिव हो जाता है, माउथ के अंदर इनएक्टिव होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था फर्स्ट पार्ट जो हमारा माउथ पार्ट था, तो माउथ पार्ट यहाँ पर हमने कवर कर लिया। माउथ के अंदर क्या क्या देखा हमने, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा, माउथ के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, नेक्स्ट टंग के बारे में पढ़ा, टीथ के बारे में पढ़ा, तो इन सब के बारे में पढ़ा। अब जो हमारा फूड है तो फूड यहाँ पर स्टमक में आ चुका है। आप देख लीजिए फैरिंग्स जो है, इसोफैगस जो है, तो इसोफैगस के बारे में भी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इसोफैगस से कैसे वहाँ पर फूड जो है हमारे स्टमक के अंदर आता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स ही लंबा वीडियो हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। आई होप फ्रेंड आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।